मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं, सितंबर का महीना लगभग खत्म होने को है और अक्टूबर का महीना आने वाला है। और बड़ी बात यह है, अक्टूबर का महीना काफी खास रहेगा क्योंकि इसमें नवरात्रि, गांधी जयंती से लेकर दशहरा, दीपावली तक बड़े त्योहार है। ऐसे में इस महीने बैंक और स्कूलों की छुट्टियां ही छुट्टियां रहने वाली है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे देश में स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को छुट्टी के नाम से जितनी बड़ी खुशी मिलती है उतनी शायद ही किसी और कारण से मिलती होगी। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं, पूरे देश में फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो गई है। त्योहारों के चलते अक्टूबर महीने में बैंकों और स्कूलों में छुट्टियों की भरमार रहेगी। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं, अगर आपको बैंक से जुड़ा कोई बहुत जरूरी काम है तो आप इसे अगले महीने में पूरा करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ऐसा करने की बजाय आप इसी महीने इस काम को निपटा ले, क्योंकि अक्टूबर महीने की शुरुआत ही लगातार 9 दिन के बैंक हॉलीडे के साथ हो रही है। और पूरे महीने में देश में अलग अलग स्थानों पर 21 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। हालांकि आपको बता दूं, यह तो पूरे देश की बात हो गई, लेकिन कई राज्यों और शहरों में बैंकों की छुट्टियां अलग अलग होती है। बैंकिंग अवकाश विभिन्न राज्यों में मनाए जाने वाले त्योहारों या उन राज्यों में होने वाले अन्य आयोजनों पर निर्भर करते हैं। और देश के कई राज्यों में इस महीने 21 दिन बैंक बंद रहेंगे। और देखिए, स्कूलों की बात करूं तो खासकर राजस्थान के स्कूलों की जो कैलेंडर जारी किया था शिक्षा विभाग ने, उसके मुताबिक 19 से लेकर 31 अक्टूबर तक मध्य अवधि अवकाश रहेगा, यही दिवाली की छुट्टियां होगी। हालांकि प्राइवेट स्कूल वाले इन छुट्टियों को कम भी कर सकते हैं, लेकिन आपको बता दूं, सबसे ज्यादा सरकारी छुट्टियां अक्टूबर के महीने में है। गांधी जयंती से लेकर दशहरा और दीपावली भी अक्टूबर 2022 में पड़ेगा। 3 अक्टूबर को सोमवार को दुर्गा अष्टमी का अवकाश रहेगा। 5 अक्टूबर को बुधवार को दशहरे का अवकाश रहेगा और संडे वगैरह भी आ जाएंगे। ऐसे में राजस्थान के स्कूल अक्टूबर में 15 दिनों से ज्यादा बंद रह सकते हैं। हालांकि इसमें शिक्षा विभाग क्या बदलाव करता है छुट्टियों में, अगर कोई नया आदेश आता है तो भी मैं आपको अपडेट जरूर करूंगा। देखिए, मोटा मोटी आपको बताऊं तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती के दिन जो है छुट्टी रहेगी। 5 अक्टूबर को दशहरा है, 8 अक्टूबर को मिलाद उन नबी है और 9 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती है। और फिर 24 अक्टूबर को दीपावली, 26 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा और 26 अक्टूबर को भाई दूज, 30 अक्टूबर को छठ पूजा जैसे बड़े त्योहार जो है अक्टूबर के महीने में है। और बड़ी बात यह है, अक्टूबर के महीने में 5 रविवार भी पड़ेंगे। और एक और बड़ी अपडेट आपको दे दूं, राजस्थान में 1 अक्टूबर से एक और बड़ा बदलाव हो रहा है। सरकारी हॉस्पिटल डिस्पेंसरी में मरीजों को देखने के समय में बदलाव किया जाएगा। विंटर सीजन की शुरुआत को देखते हुए प्रशासन ने यह फैसला लिया है। इस निर्णय के बाद अक्टूबर से हॉस्पिटल में ओपीडी का समय सुबह 8 के बजाय 9 बजे होगा। तो इस प्रकार है वो अक्टूबर का महीना कई बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। यही थी बड़ी अपडेट, बाकी मिलेंगे कल सुबह वाले वीडियो में राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।